सिन्नान, मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी, मुझे फौट था। मैं बोल रही हूँ आंटी जी। मैं वैद्य के रवैये की सफाई नहीं पेश कर रही, लेकिन सिर्फ कुछ वजाहत करना चाहती हूँ कि इसके पीछे आखिर कौन सी बात थी। नरमीन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। वैसे खैर सिनान के नाम के साथ किसी भी लड़की का नाम होता तो उबैद ने ऐसे ही रिएक्ट करना था, मुझे अंदाजा था इस बात का। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, मुझे कभी किसी ने ऐसा ट्रीट नहीं किया। सिनान जानता था मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तुम क्या हो शिजरत, काश मैं तुम्हें बता सकती। तुम वो पारस हो जिसने मेरे बेटे की जिंदगी को सोना कर दिया। तुम मेरी शिजरत हो, मेरे दिल में तुम्हारा मकाम सबसे ऊंचा है। अच्छा सुनो, सनान की सेहतयाबी की खुशी में मैं घर पे कुरान खानी और दर्स का एहतमाम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी फैमिली के साथ आओ। मेरा भी सारा खानदान मौजूद होगा, अफान भी होगा, तो अच्छा है ना मुलाकात हो जाएगी, तुम्हारा तारुफ हो जाएगा। मैंने बताऊंगी कि ये है शिजरत। रख दिया। तुम्हारी वजह से खालिद मुझे बेगैरत कह कर गया है। ऐसा कुछ नहीं है, खालिद भाई ने खामखा राई का पहाड़ बनाया। राई थी तो पहाड़ बना ना। यूनिवर्सिटी में साथ, क्लास में साथ, रास्ते में साथ, और इस वक्त फोन पर बातें, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। उसकी अम्मी की कॉल थी। रात के इस वक्त अम्मी कॉल करती है, पागल लिखा मेरे चेहरे पर। मामी मैं सच कह रही हूँ, सनान की अम्मी का फोन था, मैंने नहीं किया है फोन। आफाक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक ही घर में दोनों लड़कियों के अलग अलग उसूल कैसे। बस तुम आइंदा ख्याल रखो कि फोन पे बात ना करना। ऐसी है, दो तो बात करती है। लेकिन मेरी बात तो पूरी होने देती। क्या वाकई सबसे मिलवाएंगी, क्योंकि आपने मना किया था किसी को भी बताने के लिए। हाँ सोचा तो यही था, लेकिन उबैद के रवैये से मैं डर गई हूँ। उसकी अजीब अजीब बातें, और मैं नहीं चाहती कि हमारे खानदान वाले मेरी होने वाली बहू के बारे में कुछ अजीब अंदाजे लगाए, अजीब तरह से सोचे। ये बात मुनासिब नहीं है बेटा। बेटा रिश्ते नातों को तारुफ और नाम ना दिया जाए ना, तो वो दुनिया के लिए सवाल बन जाते हैं, और जवाब में दुनिया इल्जाम लिख देती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाई मोजना, मैं ये सब चीजें ले आया हूँ, मिठाई भी है और फल वगैरह भी हैं। बस तुम इसे अच्छी तरह देख लो। ये देखो, ये फल कुछ कम लग रहे हैं ना। नहीं भाईजान। नहीं नहीं, हम जाते हुए रास्ते में से और ले लेंगे, हैं? किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, हम पहली दफा जा रहे हैं वहाँ। तुम इन्हें अच्छी तरह देख लो, मैं तैयार हो के आता हूँ।